कहा जाता है अगर औरत अपनी पे आ जाए तो वो हर परेशानी से लड़ सकती है। हमने स्ट्रगलिंग एक्टर्स तो बहुत देखे हैं, पर किसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की कहानी बहुत कम देखने मिलती है। ऐसी ही कहानी है कंगना रनौत की, तो चलिए शुरू करते हैं। कंगना का जन्म 23 मार्च 1986 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। कंगना की मम्मी टीचर थी, उनके फादर एक बिजनेसमैन थे। कंगना एक राजपूत घराने से है और कायदे कानून से उनकी लाइफ भरी हुई है। कंगना ने अपनी स्टडीज डीएवी स्कूल ऑफ चंडीगढ़ से करी। उनके पेरेंट्स कंगना को डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। अपने एक एग्जाम में कंगना केमिस्ट्री में फेल हुई और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब उन्हें कुछ अलग करना था और वो दिल्ली चले गई बगैर किसी की इजाज़त के। वो सिर्फ 16 साल की थी जब वो दिल्ली गई। दिल्ली जाने के बाद कंगना को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस फील्ड में जाए। तभी इलाइट मॉडल एजेंसी की नज़र कंगना पे पड़ी और उन्होंने कंगना को मॉडलिंग का ऑफर दिया। कुछ महीनों बाद वहाँ काम करने के कंगना ने सोचा कि उन्हें अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहिए और उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वहाँ वो थोड़े बहुत प्लेस करती थी। कंगना ने एक प्ले में अपने पार्टनर का रोल किया जो उस वक्त मिसिंग था और उन्हें ऑडियंस का बहुत अप्रोच आया कि उन्हें अपने करियर के लिए मुंबई जाना चाहिए। मुंबई आने के बाद कंगना ने बहुत स्ट्रगल किया। पैसों की कमी की वजह से वो ब्रेड और अचार खाया करती थी। उनके रिश्तेदार और पेरेंट्स भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे, पर वो फिर भी आगे बढ़ती गई। 2004 में एक एजेंट ने कंगना को महेश भट्ट के प्रोडक्शन ऑफिस में लेके गया और वहाँ कंगना की मुलाकात अनुराग बासु से हुई और कंगना ने फिल्म गैंगस्टर के लिए ऑडिशन दिया। पर महेश भट्ट को लगा कि वो उस रोल के लिए बहुत छोटी है और वो रोल चित्रांगना सिंह को मिल गया। पर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते चित्रांगना सिंह उस रोल के लिए अवेलेबल नहीं थी और वो रोल कंगना के लिए फाइनल हो गया। पर उनका स्ट्रगल यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। इंडस्ट्री के अंदर की दुनिया में कंगना को घुल मिल पाना बहुत मुश्किल था। उनका कहना था कि कितने लोगों ने उनकी इंग्लिश का बहुत मजाक उड़ाया। वो किसी से जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, पर फिर भी वो जैसी थी वैसी रही। एक टाइम ऐसा आया जब कंगना का करियर ख़त्म होने पे आ गया। कुछ कंट्रोवर्सी और अपनी जिद की वजह से उन्हें जल्दी कोई फिल्म ऑफर नहीं करता था और बहुत फिल्म भी उनकी फ्लॉप हो गई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग चल रही थी। वो छोटे छोटे रोल्स किया करती थी, फिर अचानक से उनको ऑफर हुई फिल्म क्वीन और इस फिल्म ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। इस फिल्म के बाद वो सुपरस्टार बन गई। अब तक कंगना को 3 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं। आज कंगना एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है एंड बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। हम उनके स्ट्रगल एंड उनकी जर्नी को सैल्यूट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।